स्टार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे डॉक्टर्स, आपका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन मैं जो अनुभव किया हूँ, 2 घंटे आपके साथ हमने बिताए हैं और उसमें देखा कि आप लोगों ने जो मुझे मान मर्यादा सम्मान प्यार दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन आपसे मैं विनती करता हूँ कि बताइए कि क्या मुझ में आप देखे कि आप इतना सम्मान और प्यार मुझे दे रहे हैं। तो कौन बोलना चाहती है? आप बोलोगे पहले? कौन बोलना चाहते हैं बेटी? आप बोलना चाहते? बोलिए सर। पहले लाइफ में पहली बार कोई ऐसे सर मिले जो इतने अच्छे, मतलब तो मैं आपका पैर छूना चाहती हूँ। अच्छा, दूसरे हमारी बेटी सर बोलेंगे। बोलिए, बोलो, वहाँ कैमरा में देखे। सर, आपकी बातों से मुझे एक मानवता दिखी, आपकी बातों में और सच्चाई दिखी, सत्ता और अहिंसा। अरे, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। बेटी दूसरा बोलिए, आप बोलो जिसको सर, बोलो। हम बोलेंगे। उसमें बोलिए, कैमरा देखिए। सर, इस एमटी के लिए मुझे तो बहुत लोग बोले कि अच्छा नहीं है, और फिर यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा। आप आए सर, मुझे बहुत मोटिवेट किए, बल्कि हम अब डर ही रहे थे। तो देखिए, आपका ज्ञान है और अफवाहों से बचिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं कि आपको दुखी कर देंगे, अफवाह सिखाएंगे। भविष्य उज्ज्वल है आपका, मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन आप सच्चे रहिए। यस सर। आप गलत हो जाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप तो सोचेंगे वही होगा। और मेरी कोई बेटी बेटे कोई बोलना चाहे? सर, हमको आपके मोटिवेट से कैमरा एक जीवन का जीने का आधार मिला है। बिल्कुल सही है, यही मेरा उत्तरदायित्व है, यही मेरा कर्तव्य है। और हमको कभी अपनों को निराश नहीं करना चाहिए, कभी छोटा नहीं सोचना चाहिए, कभी कोई छोटा है। अगर हमारी लाइफ यहाँ खत्म हो रही तो एक चांस जीने का द्वारा जरूर मिलेगा। सारी चीजें मुझे आपकी मोटिवेट से मिली है। जी जी जी, देखिए, हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारी लाइफ कभी कम नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। यस, एक रास्ता छूटता तो दूसरा जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। हमको देखने का नजरिया सही होना, नजरिया सही। बहुत अच्छा। सर, आप बोलिए, आप तो बहुत बड़े वीडियोग्राफर हैं, आप तो खुद 3-3 यूट्यूब चलाते हैं। तो सर, जैसे कि मैंने पढ़ाई अभी तक किया, ऐसा सारा जो भी ज्ञान था मुझे आज पहली बार सुनने को मिला, जो आप गुरु मिले। अगर हमें बहुत पहले मिल चुके होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता और फील आउट। जो भी मैंने लाइफ में गलतियाँ की हैं वो मैं, देखिए, गलती हम सबों से होती है। आप तो अभी बच्चे हैं, अभी पूरा भविष्य आपका उज्ज्वल है और बचा हुआ है। इसीलिए मैंने जो बताया कि बिल्कुल सही रास्ते चलिए, सम्मानित रहिए, सम्मान करिए, प्यार करिए। मेरा नाम ही है पंडित, प्यार करना, योग का मतलब है प्यार करना। तो प्यार करोगे सब हो जाए, पढ़ने लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। प्यार करिए, पेशेंट से प्यार करिए, जिसकी जिंदगी बचाने आप जा रहे हो, और उसको इम्पैथी से प्यार करो, जैसे कोई आपके परिवार का अपना सदस्य हो, माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन हो, ये सोच के उनकी इलाज करिए। यही आपका उत्तरदायित्व होगा आज EMT, और आपका आशीर्वाद मिलेगा उनके परिवार से। और उदास मत होइए, उदास होने के बदले कुछ करिए। उदास होने से क्या फायदा है, दुखी हो जाएंगे। तो हमारे कुछ बैच के लोगों को लोग भड़का दिए, आप भी बोले ना दुखी हो गए थे। दुखी क्या है भाई, आपका भविष्य उज्ज्वल है, आप डॉक्टर हो गए। वो लोग बोले EMT, अरे मैं बन दो डॉक्टर है, क्या बोले, सूरज ना बन पाया तो दीपक बनकर जलता चल। सभी सूरज होगा क्या? क्या सूरज से पूरी रात में रोशनी आती है क्या? हमारे कैंडल, हमारे बिजली भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो अंधेरे से हमें बचाते हैं। तो आप लोग वही अंधेरे को दूर करने वाले, हमारे सूरज नहीं है तो क्या है, डॉक्टर नहीं है तो क्या है भाई, EMT तो है। तो खुश रहिए, गौरवान्वित महसूस करिए। ओके दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए। सर, वन क्वेश्चन सर, आप, मैं आपकी इस फिट बॉडी का राज जानना चाहता हूँ कि आप इस एज में इतना यंग हैं। अच्छा, मैं ये प्रेरणा लेना चाहता हूँ, कट कर दो और फिर ये